सर्दियों में मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ आप करें अपनी गाड़ी के साथ, क्योंकि येलो लाइट कराने के बाद पूरा लुक बिगाड़ने से बढ़िया एक अलग से आप प्रीमियम चीज़ लगवा लें। तो ही गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो अभी हम अपनी गाड़ी में लगाने जाने हैं HGG आउल लाइट। ये दो फॉग लैंप्स आते हैं, एक मेरे पास इसका पूरा पेयर पड़ा है। तो मैं इसको अपनी गाड़ी में क्यों लगाऊंगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा कोहरा हो जाता है रात में और मेरा निकलना सारा रात में ही होता है। तो अभी इसको मैं अपनी MT पे लगाकर देखते हैं। मैंने इसको एक बार USD स्क्रैम्बलर में लगा हुआ देखा था, मैंने खुद यूज़ करी थी वो स्क्रैम्बलर, तो उसका थ्रो काफ़ी अच्छा है, मेरे पास का पूरा सेट रखा है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसे यहाँ लगा लें, क्योंकि ये स्लाइडर्स पे तो लग नहीं पा रहा है जैसे हमारे पास स्लाइडर्स पे है। मैंने उन्हें भी निकाल रखा था क्योंकि मेरा कोई रीज़न नहीं था उन्हें लगाने का, मेरे वो ख़राब हो रहे हैं। बट मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, वरना मुझे इसके लिए अलग से मार्केट में कहीं जाना पड़ेगा ढूंढाने। इनका थ्रो काफ़ी अच्छा है, एक बार इनका लाइव एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाते हैं कि कैसे ये थ्रो करती है रात में। अभी रात हो जाए, पहले इसको लगा लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर आपसे मिलते हैं आगे वीडियो में। तो अपडेट कुछ ऐसी है कि यहाँ पे लग चुकी है, आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे लगा दिया, काफ़ी टाइट हो चुकी है, फर्म ग्रिप पकड़ ली है इसने। बस अब इशू ये है कि मेरे पास एक 3-way स्विच है जो मेरी MT में लगाया हुआ है मैंने। ये वाला तो उसका डिपर के लिए हो जाता है, तो उससे तो मैं कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, जो ऊपर वाला ये फ्री रहता है। अब हम इसको एक बार खोल के देख लेते हैं यहाँ पे, अगर ये वाला तार 3-way वाला मैं काम में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, हमें अलग से स्विच नहीं लगवाना पड़ेगा, एक ही स्विच से सारा काम हो जाएगा। और ये वाला तार मेरे हिसाब से अंदर यहाँ तक पहुँच भी जाएगा, इतनी कोई लोड है नहीं। चलिए करते हैं आगे, देखते हैं क्या सफलता मिलती है, वरना मैं अलग से लगवाना पड़ेगा और वो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा यार। तो अभी हमने इसको इसी वाले प्लग में करा दिया है डिपर के साथ भी, तो ये कुछ ऐसा थ्रो कर रही है अभी। और इनमें फ्लैशर आता होगा, आपने जब इनको ऑनलाइन देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा। तो अभी बस हम इसे दूसरी साइड पे भी ये सेम चीज़ कराते हैं, उधर वो उसका भी क्लैंप लग चुका है। जैसे कराते हैं फिर आपको एक बार लाइटें बंद करके दिखाएंगे कि सामने थ्रो कैसे दे रही है। मैंने बंद करके देखा था तो थ्रो तो काफ़ी अच्छा आ रहा था, बट एक बार हम दोनों का देखेंगे, एक का ही काफ़ी सफिशेंट आ रहा था। ऑब्वियसली इसमें चार, एक साइड पे दो वो मिनी ड्राइव्स होते हैं तो दोनों साइड पे चार मिनी ड्राइव्स हो गई। तो एक बार अभी पूरा लगा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, वर्थ इट है कि नहीं है। वैसे कॉस्ट तो मुझे इसकी बहुत सही पड़ी, वो मैं आपको वीडियो पे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन सबने आपने इसकी कॉस्ट देखी होगी और मैंने जो उसकी कॉस्ट मंगाई वो डिफरेंट ही है कुछ। चलिए आपसे आगे मिलता है, फटाफट लगा के इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, बहुत देर हो गई मुझे यहाँ पे, मुझे अप्रॉक्स 1.5 घंटा हो गया आप आए पे, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई थी, इनका काम होना रह गया था। करिए करिए, तो ये तो अपना काम पूरा हो चुका परफेक्टली। तो इसका कनेक्शन कुछ नहीं, मैंने इसको सीधा सीधा जो फ्लैशर के लिए मेरा ये बटन यूज़ हो रहा था इसका तार, मैंने उसी में डायरेक्ट लगा दिया। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये फ्लैशर से फ्लैश कर रही होगी, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें फ्लैशिंग इटसेल्फ एक मोड होता है, चाहे आप सिंगल में लगा लें चाहे आप इसे डायरेक्ट गाड़ी से कनेक्ट कर लें, तो इसका अपने आप में एक फीचर है। इसकी मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपने देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे इसके अलग से फ्लैशर्स मिलते हैं, तो ये बेवकूफ़ बनाने का पैसा बनाने की चीज़ है, वो उसके भी 500,000 ले लेंगे। इसमें ऑटोमेटिक फ्लैशर का एक सिस्टम आता है, तो आप इसलिए झांसा मत खाइएगा। और इसका प्राइस मुझे अभी मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल अभी मैं इसे रैप करके एक बार इसका लाइट का थ्रो दिखाता हूँ आपको, रात में अंधेरा करके कैसा लगता है। तो इसका थ्रो कुछ ऐसा आ रहा है, मैंने यहाँ तक इसे सेट कर दिया है, मैं आपको इसको स्विच करके दिखाता हूँ। लाइट वेरी अभी इस समय MT के आगे से फ्रंट आप देख सकते हैं बंद कर रखा है मैंने, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये है मेरी MT के साथ हेडर के बाद, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, मुझे रात में लाइट की तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा कुछ थ्रो आ रहा है, अभी मैं आपको एक सन्नाटे की जगह लगा के दिखाता हूँ, मुझे मिलती है तो भाई। तो एक बार ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, इसके ओवरव्यू आप देख सकते हैं, वाली लाइटें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, वो मैं सेट कर लूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं इसको बंद करता हूँ फटाफट से ना, हाँ एक सेकेंड, आपको थोड़ा और प्रॉपर व्यू दे पाऊँगा इसके बाद। क्या है यार ये हैंडल व्यू देता हो रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों का कुछ लुक ऐसा आता है। और रोड पर बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, आप ये देख सकते हैं दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल HGD की है ओरिजिनल। और इसका प्राइस मुझे वैसे इसका ऑनलाइन 2,000 का पड़ा है, बट मैंने ये होलसेल से मंगाई है, तो ये मुझे 1,000 रुपये के दो, मतलब पूरा पेयर पड़ गया 1,000 रुपये का, 500 रुपये पर पीस, 1,000 रुपये का सेट।
और बेसिकली अच्छे से दिखा पाऊँगा। तो वैसे जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना गैंगस्टर एरिया है। तो आप इनका लाइट का थ्रो एक्चुअल में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ रियल लाइफ में कैसी लगती हैं। वाइट लाइट अगर हम करते हैं तो इतनी दूर तक हमें दिखाने को मिल रही है, और अगर हम इसको येलो पे तो आपने देख ही लिया होगा अभी। और अब हम इसको एक बार फ्लैश करके दिखा देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाने वाला है, 1000 रुपये में वर्थ इट है मेरे लिए तो ये। और बाकी मैंने इन्हें अभी फ्लैशर्स के साथ लगा रखा है, फ्यूचर में इनकेस अगर मैं चेंज कराता हूँ तो मैं इसका एक अलग से पूरा सेटअप करा लूँगा अपने इन पे गार्ड्स पे, लेग गार्ड्स पे। पर अभी के लिए मैंने इसको अपनी इंटर बेली पे लगवा लिया है और थोड़ा सा दिमाग चलाया, लग चुकी है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। सर्दियों में मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ आप करें अपनी गाड़ी के साथ, क्योंकि येलो लाइट कराने के बाद पूरा लुक बिगाड़ने से बढ़िया एक अलग से आप प्रीमियम चीज़ लगवा लें। एटलीस्ट आपका लुक थोड़ा सा मतलब स्लीक वो तो नहीं रहेगा एस्थेटिक टाइप का, बट हाँ आपकी जान तो ज़्यादा प्यारी है भाई लुक से। और स्पेशली जो चश्मा लगाते हैं उन लोगों के साथ तो बहुत ही दिक्कत रहेगा। तो हम आ चुके हैं अभी अपने घर की साइड, मतलब घर की गली है मेरी बेसिकली, कॉलोनियों में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, वरना आपको मैं कॉलोनियों में भी खाते जा के क्या सीन है क्या नहीं। डिफरेंट व्यू आएगा, मतलब ये डिफरेंट लाइट प्रोवाइड करेगी। जैसे मैंने अभी यहाँ लगा रखा है, मैं आपको और दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ लगा रखी है, अगर मैं इसकी जगह पे इसको इस लेवल पे लगाऊंगा, इसकी जगह इस लेवल पे, तो इसका थोड़ा सा और आगे तक मिलेगा मेरे को, और यहाँ से भी शुरू नहीं होगा, वो शुरू भी थोड़ा और आगे से होगा। तो वो आपके ऊपर, अगर आप किसी क्रूज़र बाइक पर इसको लगाते हैं तो क्रूज़र बाइक पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे। और मैंने अभी इसलिए इसे लगा रखा है, मुझे भी इससे काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। तो बाकी ठीक है, बस इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।